एक ही करेंगे हम। क्या बोला हुआ है? कंसेप्ट टू देखिए, वो छोटी सी छोटी संख्या कौन है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। तो इसमें एक चीज को आप ध्यान दीजिए, पहले की किसी भी हम सवाल में जा रहे थे शेष 4 बचेगा, शेष 3 बचेगा, यहां लेकिन 3 संख्या दिया हुआ है, इन 3 संख्या से उस संख्या को भाग देने पर, उस संख्या मतलब जो लसा वाली संख्या है, वो हर हालत, तो 12 से भागा दोगे तो 7 बचेगा, 15 से भागा दोगे तो 10 बचेगा, 16 से भागा दोगे तो 11 बचेगा। तो मतलब शेष जो है 3 अलग 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 करके बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है पहले ये देखो, हमने एक्स्ट्रा फंक्शन को पहले कर रहा है, दिस इज कंसेप्ट टू में क्या था, एक्स्ट्रा फंक्शन को हम पहले करते हैं, मेन फंक्शन को बाद में करते हैं। तो एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है, 12 में से 7 घटाया 5, 15 में से 10 घटाया 5, 16 में से 11 घटाया 5। अब क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का लसा निकालते हैं, लसा में से सिंपली हम 5 को माइनस कर देते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट टू में है, और कंसेप्ट टू में 3 सवाल है, कौन करना है सवाल नंबर, वो पहले ही दिया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं खाली इतना ही सबसे बोलना चाहता हूं, देखो हमारी ये टोटल क्लास 37 मिनट भी नहीं लगे आप लोगों को, आपने इसे समझ लिया। अब आप चले जाइए वहां पर मेरे ऐप में, वहीं पर देखेंगे कि नीचे प्रैक्टिस सेट दिया गया है, वक्त मत बिताइए, कहेगी एकदम गरम गरम है चीजें, आप वहां पर करना शुरू कीजिए। आप 30 में से सबसे पहले जो है 25 सवाल में से एक साथ करने की कोशिश करें, जो हो जाता है हो जाता है, उसके नीचे देखेंगे आंसर की क्लिक है, वो आंसर अभी 1 घंटे के बाद दिया जाएगा, सो दैट आप दिल से पहले संतुष्ट हो जाएं आपने सही किया नहीं। उसके लिए वीडियो को अगर एक बार देखना है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आप 1-2 चीज को पहले समझ लीजिए कि यहां पर जब मेरे सीखते हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, मैं सबसे पहले बोलता हूं कि मैं जो कराता हूं उसे करो, उसे करने के बाद उसमें जब तक कंफर्टेबल नहीं होते हो किताब मत उठाओ। आपके जमाने में दुनिया चीजों को अलग तरीके से देखती है, हम उस पुराने जमाने के हैं जब हमारे पास एक ही किताब होती थी, आपसे कोई खराब हमने नहीं सीखा है। तो कहने का मेरा मकसद क्या है कि अगर आप समझ लो कि आपको ठीक से चलना नहीं आता है, आप क्यों, क्या कोई आपका, अगर आप बच्चे जब थे एकदम किसी तरह घर में चलते थे, तो क्या आपके मम्मी आके आपको बीच चौराहे पे जाके छोड़ देती थी? जो क्रियाएं आप लोग करते हो, आपने गणित पूरा समझा ही नहीं, सीधा लेके दूसरी बुक्स पे चले गए, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं सीखे, केवल अपने लिए कुछ परेशानियों को खड़े किए। तो सबसे पहला कि जैसे 25 करके मैं हर दिन करता हुआ जाऊंगा, कल नहीं फिर परसों की क्लास है, तो पहले इस 25 को 2-3 बार करके इसे अंदर में लीजिए और इसकी फेयर बुक बना लीजिए, तो फिर क्या होगा कि आप सही तरीके से मेरे साथ संपूर्णता कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो नीरस लगा होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आपको ये कहीं पर भी आपको मजा नहीं आया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।